चलो भाई, कोई होमवर्क दिया था मैंने? कुछ बताइए मुझे, क्या होमवर्क दिया था? फटाफट। तो चेक करते रहना आवाज आ रही है कि नहीं। जा ज्यादा नहीं था, फिर भी जितना था उतना बता दो, फटाफट आगे बढ़े अपन। क्या होमवर्क था सबसे पहले? अरे क्या पढ़ रहे हो? पढ़ना, खुद की राइटिंग नहीं पढ़ पा रहे क्या तुम लोग? तो ऐसे देख रहे, पता नहीं बोले क्या लिखा हुआ है, भूल गए अब तो सब। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड दिया था मैंने, मतलब ये फ्राइडे को दिया था। हाँ पढ़ के आए। अच्छा क्या पढ़ के आए इसके बारे में? अच्छा तो इंग्लिश में कर लेते हैं ना उसको, मीनिंग बहुत घुमा रहा था वो। अच्छा क्या क्या समझ में आ रहा था, फिर भी उतना समझा दो इसको, थोड़ा स्लो कर दो। क्या समझ में आया? बस इसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आया। तो दो चीज दी होगी फिर मैंने तो, क्या? हाँ इसका समझ में आया। और क्या? बस इंडिया है इसका मेंबर। अच्छा इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये मैंने उसी दिन भी बताया था मेरे ख्याल से। देखो अगर उसका फुल फॉर्म ही देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आईसीसी क्या है? वेरी नाइस, ये पढ़ रहे हैं अभी अपन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अच्छा वह देखना, अगर मैं मैच कहां से कर रहे हैं, वो सूर्यवंशम से। तो भाई हीरा ठाकुर ने सामने वाली को तो आईएएस बना दिया था, वो छोड़ के गई क्या? तुम भूलो मत, वो हीरा ठाकुर क्या बन गया था जब तक। आया समझ में? भानु प्रताप बस सर्विस का मालिक था वो, यानी कितने हॉस्पिटल चला रहा था वो। उसका उतना बड़ा बंगला था कि बंदी अपना सरकारी बंगला छोड़ के उसके बंगले में रह रही थी और वहां चाय बनाती थी, भूल गए? तो ज्योति क्यों मरेगी भाई? हाँ यार चीजें है कि नहीं, दोनों को एक साथ बढ़ना चाहिए ना फिर, सही है फिर? ज्योति मरिया सही नहीं है, खैर चलो। हाँ तो देखो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट डेफिनेटली, मैंने जैसे आपको बताया था कि कहीं भी अगर, जैसे अपनों ने देखा था कि कोई डिक्टेटर है, अगर वो लोगों पे जुल्म करता है, जेनोसाइड, जेनोसाइड समझते हो आप क्या होता है? जेनोसाइड भीड़ में हत्या नहीं करना, मास स्केल क्या करना है, किलिंग्स की हो जिसने, हिटलर वगैरह जो लोग थे, है ना? मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ईदी अमीन का, कहाँ रूल करता था ईदी अमीन? अच्छा चलो, अगर ईदी अमीन लीबिया में था तो फिर युगांडा में कौन था? तो लीबिया में कौन था, क्या नाम था, है ना? सी से नाम था मोमर गद्दाफी। ये भी सही है, जी से बोला था क्या? अच्छा ठीक है ना? तो ये इन लोगों पे क्या हुआ, जब कोर्ट, जब केस चलेगा तो कहां चलेगा, आईसीसी पे चलेगा। और आर्बिट्रेशन क्या होगा, अगर दो 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 देशों के बीच में भाई कोई बात, कोई डिस्प्यूट हो गई है ना, तो उसको आर्बिट्रेशन करना इस कोर्ट में। देखो सिंपल उसमें यही है, बाकी जो डिटेल में अपन सब जब आईआर पढ़ेंगे ना तब समझेंगे, ज्यादा इतना डिटेल में जाना नहीं, इंडिया जिसका पार्टी नहीं अपने मतलब नहीं है। चलो खैर नेक्स्ट, फटाफट। बस एक ही होमवर्क था, कैसी बात कर रहे हो यार? ये होमवर्क दिया था मैंने, नहीं, ये जननी सुरक्षा मैंने नहीं दिया, फ्राइडे को ही दिया है।
चलो ठीक है, बताओ इसके बारे में क्या पता है। ओ सही है, ठीक है। और याद रखना, जननी सुरक्षा योजना जो मेन चीज है, इसका मेन काम है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरीज। क्या मतलब हुआ इसका, स्पेलिंग सही है कि नहीं, मेरे को तो पहला ये बता दो। ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी है, इंग्लिश बेकार है मेरी, है ना। क्या होता है है ना, जो भी भैया प्रेग्नेंट लेडीज है उनकी जो डिलीवरीज है वो कहाँ होना चाहिए, हॉस्पिटल में। और ये घर से हॉस्पिटल ले जाने की क्या सर्विस है, एम्बुलेंस नहीं, उसको बोलते हैं जननी एक्सप्रेस। इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, क्या जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती उनको अपने देखा था, कुछ वैक्सीनेशंस है, कुछ वैक्सीनेशन की बात चल रही फिलहाल, 6,000 रुपए पहले बोल दिया उसने है ना, पैसा भी मिलता है पहले ही बता रहा हूँ। और फिर वो मैंने बताया था क्या मिलता है खाने के लिए, याद है सबको, दलिया मिलता है एक नंबर रेडीमेड, जैसे वो अपना वो आता है ना मैगी, पानी डालो और वो कप नूडल्स, उस तरह का मिलता है, बिल्कुल गर्म पानी डालो, दलिया तैयार। देखना एक बार, आंगनवाड़ी जाना तुम लोग एक बार, बोला कि हमारे बच्चों को एडमिशन करने आए हैं यहाँ पे, तो एक आध बार चखा देंगे तुम्हें, बढ़िया खा के आ जाते। चलो नेक्स्ट। हाँ बस फ्राइडे की वीडियो देख के फिर बताऊंगा तुम लोगों के होमवर्क क्या था। यूएन क्लॉज क्या था, ये पढ़ के आए, जेनेवा कन्वेंशन। हाँ और ये कहां तक रहता है, नॉटिकल माइंड्स, वेरी नाइस। ठीक है, होल्ड करते हैं, बहुत सही, ठीक है। आपने देखा है एक नया तरह का पत्थर मिला है साइंटिस्ट को, जो जियोलॉजिस्ट है, एक्चुअली क्या था, वो था प्लास्टिक का एक रॉक। किसका रॉक, प्लास्टिक का रॉक। देखो क्या होता है, जैसे ये जो फिशरमैन वगैरह है ये अपनी जालियां ले जाते हैं, नेट जो ले जाते हैं, अब कई बार होता है जब जाली टूट जाती है तो ये क्या करते हैं, समुद्र में ही उसको फेंक देते हैं, या फिर कई चीजें होती है, जैसे आपको पता है एक उसमें बताया गया था एक रिसर्च में कि जैसे एक जो फ्रूटी में अपन जो यूज करते हैं ना स्ट्रॉ, है ना, उस स्ट्रॉ को मतलब जिस तरह की जो स्ट्रॉ थी वो एक लैंडलॉक कंट्री में यूज होती है, मतलब कहीं सेंट्रल एशिया या यूरोप में, ठीक है, और वो पाई गई थी अटलांटिक ओशन में, बहुत ही डीप सी में, और वो भी कैसे, एक वो टर्टल था उसके नाक के अंदर, बहुत फेमस फोटो है। मतलब सोचो आपने तो क्या हुआ, सिंगल यूज प्लास्टिक जो आजकल बात चल रही है ना, आप लोगों ने देखा होगा चौराहों पे आजकल वो बच्चों के लिए गुब्बारे बेच रहे, वो इस तरह की स्ट्रॉ आती है उसमें, है ना, आपको पता है वो बैंड हो चुका है, क्यों, क्योंकि भाई क्या हुआ, बच्चे ने लिया 2 मिनट में, अभी परसों के परसों में मैंने देखा वो हमारे गुड़िया खरीद के ले आई थी, पता नहीं कहां से 2 खरीद के ले आई, वो उसने एक मारा एक फोड़ दिया, दूसरा मारा फोड़ दिया, लो हो गया भाई सिंगल यूज। तो अब क्या होगा, उसको फेंक देंगे, ऑब्वियस सी बात है, फेंकोगे तो वो सीधा कहां जाके मिलता है, सोचो सी में। तो देखो इस तरह का जो प्लास्टिक होता है ना, ये क्या होता है, इकट्ठा होते जाता है। अब देखो सी में क्या चलता है, मतलब अपने ओशंस में ओशन करंट्स चलती है, ठीक है, करंट आप अभी ऐसा समझ लो, जिसको नहीं पता है, एक तरह से पानी के अंदर ही चलने वाली कोई नदी होती है, जैसे आपने मूवी देखी फाइंडिंग नीमो, देखिए उसमें देखना उसका जो पिता होता है वो जब नेमो को ढूंढ रहा होता है, उस टाइम एक जगह होती है जहां पे वो कछुओं के साथ बहता रहता है, देखा है, तो देखो पानी के अंदर ही एक स्ट्रीम चल रही होती है, समझ में आ रहा है ना, तो इस तरह की चीजें चलती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ओशन करंट। तो ये ओशन करंट क्या होता है,
बहुत सी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, ठीक है, सबको ला दिया, और प्रेशर के थ्रू वो जाके कहां पहुंच गया, कोस्ट पे, और कई टाइम में वो क्या कन्वर्ट हो गया, एक रॉक में। तो देखो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है भैया, एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस के कारण हम कहीं ना कहीं देखो नेचर में खिलवाड़ कर रहे हैं। समझ में आया? आपको पता है प्लास्टिक कैसे बनता है? अरे प्लास्टिक कैसे बनता है ये तो पक्का पता है ना, बनता है पेड़ पे नहीं उगता प्लास्टिक। कैसे बनता है प्लास्टिक? कार्बन से बनता है, केमिकल रिएक्शन का एक अजूबा है क्या प्लास्टिक, है ना, जिसमें आपको पता है एक होता है पीवीसी ये जो होता है, और पॉलीमर्स जो होता है, आपको पता है ये जो कपड़े आप लोगों ने पहन रखा है इसमें तक प्लास्टिक है, ये शर्ट में प्लास्टिक है पता है, क्योंकि देखो प्योर कॉटन तो कौन सा होता है, खादी, और ये कॉटन तो नहीं है। आपने पढ़ा होगा पॉलीमर, है ना, कपड़े जो होते हैं इस तरह के, सुना है सब कुछ, ये क्या होता है, इसमें कॉटन प्लस प्लास्टिक मिलता है, तब जाके आजकल इस तरह के कपड़े होते हैं। देखा आपने आसानी से धुल जाते हैं ये, क्यों, क्योंकि भाई कॉटन पे तो कोई चीज जमी रह जाएगी, पर प्लास्टिक पे आसानी से धुल जाएगी इस तरह से, कभी सोचा ही नहीं ना ये चीज, कभी देखा इस तरह के कपड़ों को आप जला के देखना, वो जैसे प्लास्टिक जलने के बाद जैसे काला काला हो जाता है, वरना कॉटन तो क्या होना चाहिए, पूरा जलना चाहिए। अरे हाँ या ना, कभी दीपक लगाया है कि नहीं, ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो देखो इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, तो अब इसमें क्या बात आ रही है कि भाई देखो अगर हाई सी की ट्रीटी यही बोल रही है कि जो हाई सीज होते हैं, हाई सीज कौन से, अपने 200 नॉटिकल माइल के बाहर, है ना, वहां पे क्या है, वहां पे है डाइवर्सिटी भाई, अलग अलग फ्लोरा फ्यूना होगा वहां का, है ना, अगर वहां पे अगर कोई चेक नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, जैसे देखो एक चीज होती है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, मैंने बताया रखा है ये क्या होता है, ये नुक्ती, मैंने बताया था बड़ी बड़ी नुक्ती होती है ये, जिसमें एक्चुअली क्या होता है अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं, नोड्यूल मतलब क्या होता है नुक्ती, है ना, और उसमें काय के होते हैं अलग अलग, और ये इसमें क्या है ना कई बार रेयर मेटल्स भी मिल जाते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, जरा एक छोटा सा करके आओ, व्हाट आर रेयर अर्थ मेटल्स, बस पता करके आना, है ना, और क्या इंडिया में कुछ रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं, दूसरा चीज पता करो दुनिया में सबसे ज्यादा किस कंट्री के पास रेयर अर्थ मेटल्स है, तीसरा कितना होगा पता नहीं कितना है ना, चलो यूसेस क्या है इस रेयर अर्थ मेटल के, सही है ना, इनमें मिलता है, तो मान लो इसको ढूंढने गए और उस चक्कर में पता चला वहां की डाइवर भी खत्म कर दी, तो ये भी तो कर दो, बस दो तीन होमवर्क दिए थे, क्या बात कर रहे हो, खैर वैसे फ्राइडे को कुछ था भी नहीं अपनों ने देखा था, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो भाई सबसे पहला अपना दैनिक जागरण क्या है, आज 10 जुलाई है ना, हाँ ठीक है, ये देख रहे हो नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में देखो ये ओपीएस पता है, ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, है ना, जरा छोटा सा होमवर्क करके आओ, ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम करवाए तो बताओ फिर क्या है, तो होमवर्क करके आओ चुपचाप, वैसे तुम लोगों के पास अभी कोई डीप फेक का कोई एग्जांपल है रिसेंट, अरे वो देखा एक वो अभी वो एक वो बुड्ढे अंकल बहुत फेमस हो रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं मेरे, हाँ बोले पेंशन से मजे ले रहा हूँ, बोले मैं देखा इंस्टाग्राम पे, हाँ सबने देखा है ना।
है ना है ना, जो बोल रहे हैं मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ भी संपत्ति नहीं छोड़ने वाला है ना। चलो इट इज, और उन्होंने एक वो ऐसे वो स्क्रीनशॉट्स भी डाले हैं कुछ लोगों के जो उसको मैसेज कर रहे हैं उस लड़की को है ना, इस तरह से तो थोड़ा पता करके आना ठीक है, ये एआई का है भैया सब चीजें। देखा दिल्ली में छुट्टी क्यों हो गई, बोले पानी भर गया। सही है यार ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये, अभी देखा था ना इन्होंने खुद, कल तो ट्रैक्टर चला रहे थे और देखा वो पेडी कल्टीवेशन कर रहे थे, पता है पढ़ लेना भैया जहां जहां गए थे कि अगर व्हीकल को लेकर कोई स्कीम ला रही है मोदी गवर्नमेंट तो पढ़ लो। जैसे पता अभी एक आ रहा है कि जितने भी ट्रक्स होते हैं उनमें एयर कंडीशन लगाना कंपलसरी होने वाला है, पता है आपको ड्राइवर्स के लिए, क्यों मतलब वो इंसान नहीं है बेचारे है ना, तो इस तरह की चीज है। तो पता कर लो भैया कहाँ कौन से पैडी कर रहे थे भैया, क्या पता यूपीएससी को लग जाए कि इस चावल के बारे में मेरे को पूछना चाहिए। आया कुछ समझ में, आपका डेटा है ना, तो ये वाला आर्टिकल अपने को पढ़ना है, किससे रिलेटेड होगा बताओ, और डिजिटल इंडिया बिल, दो बिल है चलो इनको जानते हो ना, और जब भी ये आर्टिकल देंगे तो बताए कि नहीं, कौन कौन नहीं जाना चाह रहा, पहले बता दो सर क्या है IAS है ना। जैसे पता ना IAS कोई ऐसी पोस्ट नहीं होती जो तुम बनना चाहते हो, ये एक सर्विस है, अंतर पता है ना, नहीं पता ना। जैसे देखो आप लोग कभी बनने वाले हो ना, जैसे आप लोग IAS बन जाओगे तो भाई देखो जो एक बेचारा जो नया बिल्कुल रिक्रूट होता ही अभी सिलेक्ट होके बस अभी गया है मसूरी, वो भी एक IAS है, और जो अपने मामा जी या मोदी जी के साथ घूम रहा है वो भी क्या है एक IAS है। कुछ तो चेंजेस होना चाहिए, तो याद रखना उनकी सर्विस, SDM बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कमिश्नर बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा, आ रहा कुछ समझ में। तो ये जो अलग अलग पोस्ट है ना ये आती है IAS के अंदर इस तरह से। जैसे देखो अगर कोई IPS बन जाता है तो पहले वो क्या बनेगा, ACP बनेगा, फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस बनेगा अगर इंदौर में है तो, अरे समझ में आ रहा है ना, फिर क्या बनेगा, फिर उसके ऊपर IG DIG इस तरह से जाता जाएगा, सॉरी DIG फिर IG फिर जाता वो नीचे कर दिया है ना, तो इस तरह से। तो मतलब वो बंदा IPS ही रहेगा शुरू से, पर उसकी पोस्ट चेंज होती जाएगी। ये पता नहीं था तुम लोगों को, नहीं था ना, अपन बस IAS बनने निकल गए है ना। जैसे कई लोग होते हैं जो मुझे बोलते हैं सर कलेक्टर बनना है, IAS में कलेक्टर सबसे छोटी पोस्ट है, क्या है, सबसे छोटी, सबसे लीस्ट पावरफुल पोस्ट, और जिसको सिर्फ यही बनना है बता दो भैया बना देंगे कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर वही अटके रह जाओगे है ना। तो देखो एक तरह से क्या है, ये बोल रहे हैं कि जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस की जरूरत है। जैसे देखो कहीं ना कहीं आज भी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो कॉलोनियल मेंटेलिटी के साथ है। क्या इसका मतलब हुआ, ब्रिटिशर्स के कैसा, क्या क्या, जैसे देखो सुना है हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, क्या इसका मतलब, क्या दर्शाना चाह रहा है यहाँ पे, कि भाई देखो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज वर द रूलर्स, पर जो अब जो गवर्नमेंट है क्या वो रूल करने आई है, नहीं, इट इज फॉर पीपल, फॉर वर्क फॉर द पीपल।
तो मतलब अगर आप कोई भी आईएएस, जैसे पहले कलेक्टर को पता क्यों बनाया, जैसे कलेक्टर के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर होता है, एसपी जो होता है वो कलेक्टर के अंडर में होता है, क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कलेक्टर के हाथ में होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई कलेक्टर की पोस्ट पे बनाया इसलिए गया था, कल को कुछ भी दंगे वंगे अगर कुछ भी होता है तो भैया कलेक्टर जाके उसको दबाएगा, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। पर हमारे यहाँ पे क्या काम रह गया भैया? नहीं, कलेक्टर हो मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको कहीं पे लिटरेसी नहीं दिख रही है तो वहां पे लिटरेसी वाले प्रोग्राम्स चलाओ। जैसे देखो एक अपने आगे कलेक्टर है, क्या नाम है उनका, सुरचित सोमवंशी, ये अपने यूपीएससी मीम पेज देखा है, उसमें जो है ना श्रुतकृति उनके भाई बड़े भाई अपने आगे पे कलेक्टर है वो, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहाँ कौन सा एरिया था, शायद मंडला या फिर वहां पे था, वहां पे माल न्यूट्रिएंट बच्चे जो होते हैं, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, उनके हॉस्पिटल में उन्होंने क्या करा था, उन्होंने दौरा किया, वहां पे देखा है यहाँ पे गर्मी खूब हो रही है, बच्चों को खूब प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने अपने ऑफिस का एसी लगा खोल के वहां लगवा दिया। बोले मैं कूलर में बैठ जाऊंगा, वो थोड़ी बैठना चाहिए, तो ये चीजें क्या दिखा रही है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये इनेबलर हो गए, मतलब लोगों को बढ़ाने वाले हो गए, पहले के क्या होते थे, लोगों को दबाने वाला होता था, तो अपने को चाहिए। अरे समझ में आ रहा है, इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। देखो ये वाला आर्टिकल पढ़ना, आपको कई चीजें इसमें से आपके पॉइंट्स बनेंगे, क्योंकि आप लोगों का पेपर सेकंड में एक चीज है, द रोल ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, है के नहीं, तो ये उसी के ऊपर तो बोल रहा है। ये टॉपिक बहुत काम का, ये आर्टिकल पढ़ना, पॉइंटर्स बना के रख लेना, कि कौन बोल रहा है, विवेक देवराय बोल रहा है, गलत तो नहीं होगा, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि मेरी मतलब सोचती हो तो उन्होंने भी बोल दिया, ठीक है। चलो भाई फिर क्या है, है ना, क्या बोलते हैं इसको, गैवल, दुष्प्रचार से दूरी बनाते हुए तथ्यों पर ध्यान दे, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, ठीक है। देखो इस पे क्या क्या बता रहा है, ठीक है, धर्म आजादी, ठीक है, अपने वैसे देख चुके हैं ना यूसीसी किस किस चीजों को इफेक्ट करेगा, बताओ, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स, आया या समझ में? हाँ, फैमिली, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने देखा था ट्राइबल्स के जो चीजें हैं कस्टम्स, उसको भी अफेक्ट कर रहा है ना, स्टार्टअप में सबसे कम, वाह यार, है ना, इसलिए रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है। जो 300 रुपए रोज कमा रहा है उसको कितने का जीएसटी का नोटिस आ गया, देखो यहाँ पे कौन सा है उत्सव है भाई, चलो पढ़ के आओ इसके बारे में, वो नालू, इसके बारे में पढ़ के आना आपको। देखो उज्जैनी महान काली मंदिर सहित सिकंदराबाद के सभी महाकाली मंदिर में बोनाल उत्सव सजाया जाता है, उत्सव एक में बोनम चढ़ाया जाता है, पता करके आना भैया क्या है ये चीजें, ठीक है। है ना, देखो क्या क्या चल रहा है, सही है यार। बेस्टाइल डे याद है, मैंने बताया था आपको फ्रांस का, ब्रेड नहीं है तो क्या खा लो, केक खा लो, भूल गए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक चीज आई है, क्लस्टर बम, ये क्लस्टर बम समझते हैं आप लोग, बताएं, एक ही याद कर मैंने बताया था, है ना, उसके अंदर ही बहुत सारे बम होंगे और जब ये नीचे गिरेगा तो ये खुल जाएगा और बहुत ज्यादा उस पर हो जाएगा, एक सेकंड आया मैं,
चलो समझते हो ना क्लस्टर बम, अब आवाज आ रही है? हेलो, चलो ठीक है। गोपीनाथ मंदिर में काम का नहीं है, रेन ब्रिंग्स नॉर्थ टू इट्स नीस, घुटनों पर ला दिया। अभी देख रहे हो कर्नाटक के साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है, उनके पास चावल ही नहीं है। देखा तो वो कैश देना पड़ रहा है उनको, बोले पैसे ले लो, हमारे पास क्या नहीं है, चावल नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आना क्या चल रहा है अभी, मतलब कर्नाटका में ऐसा क्या स्कार सिटी हो गई चावल की कि गवर्नमेंट के पास चावल ही नहीं है। थोड़ा पता करके आओ क्या इश्यू चल रहा है। देखो मैंने बताया था ना टनल बनने से क्या होता है ना, तो दिल्ली में ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखो जमीन जो है नीचे धस रही है। अब ये चीजें तब भी होता है जब एक्सटेंसिव ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, याद रखना, तब भी जो है जमीन नीचे धसती है, इस तरह का याद रखना है ना। ठीक है काम का है। हम लोगों को भी ऐसा कुछ दिखते जाना तो बता दिया करो कि सर ये क्या है ना। देखो मैंने बताया था आपको है ना, तो देखो जब बेस्टाइल डे यानी वहां का इंडिपेंडेंस डे होगा तो अपने इंडियन जो एयरफोर्स की जो कॉन्टिजेंट है ये वहां पे जो है परेड करेगी। मतलब देखा 26 जनवरी को अपनी आर्मी जो है वहां पे परेड करती है, कहाँ पे परेड करती है, राजपथ। राजपथ का नाम अब क्या चेंज कर दिया है, कर्तव्य पथ। पता है सबको, कुछ भी नहीं पता। तो देखो पेरिस में अपने लोग जाएंगे, पेरिस में अभी तक 3 बार ऐसा हो जाएगा ये भी चले गए, तो पता करके पहले 2 कब था, ठीक है, और किस किस प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पे ऐसा हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, एक ही बात है, डिफेंस फोर्स अब ठीक है। चलो मैंने एक बार आपको बताया था पेप्सिको और पोटैटो वाला एक केस, क्या कुछ आलू क्या करते थे अपने पास रख लिए थे है ना, वो अभी ले लेते पर रख लिए थे, ठीक है, और पेप्सिको ने उनपे कुछ करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा दिया था और बोला कि ये जो पोटैटो है इस पे हमारा क्या है पेटेंट। क्या होता है किसी को पता है, अधिकार होता है, इंटेंजिबल, पोटैटो को छू नहीं सकते आप, उल्टा अपन तो उसको अगर किसी चीज को पेटेंट करा लिया गया है ना तो कोई भी व्यक्ति वो सेम चीज को यूज वापिस से वैसा के वैसा नहीं बना सकता, कॉपी नहीं कर सकता इसकी, और अगर वो कॉपी करता है तो आपको उसकी एक रॉयल्टी देगा। जैसे कभी देखा है यूट्यूब वगैरह पे अगर कोई वो वीडियो डाल देता है उस पर वो कॉपी राइट आ जाता है ना, और अगर मान लो उस पर वो बोलता है कि ठीक है कॉपी राइट आ रहा है तब भी हम हमारी वीडियो नहीं हटा रहे, तो उस कॉपी राइट का जो
मतलब जो उस वीडियो का जो पैसा आएगा वो उस व्यक्ति को चले जाएगा जिसके पास उसका कॉपीराइट होता है। तो इसी तरह से अगर मान लो पेप्सी को इस आलू का पेटेंट करा लेता है, कुछ समझो आप चीजों, बड़े आलू होंगे भाई चिप्स बनाने के लिए काम आएगा, कुछ इस तरह से हाइब्रिड होंगे, ठीक है। पेप्सी को ने क्या बोला कि भाई इस तरह के आलू तो सिर्फ हम ही बनाएंगे, तो कोको कोला वगैरह कोई भी इस तरह का आलू बना ही नहीं सकता, ग्रो नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर पाएगा तो वो मार्केट में नहीं आएगा। अब मान लो किसी और को भी लगता है कि नहीं यार हमें ये वाला आलू चाहिए, तो किससे खरीदना पड़ेगा उनको, कुछ समझ पा रहा है? कोई बोलता चलो खरीदते नहीं हम भी बना लेंगे, तो भाई हम क्या करते हैं तुम्हें थोड़ी सी एक रॉयल्टी दे देते हैं। अरे समझ में आया, इस तरह की चीज है, ठीक है। जैसे देखो मैकडॉनल्ड कहाँ की कंपनी है, पर कहाँ चल रहा है अभी, अपने इंदौर में चल रहा है ना। पर देखो ना यूएस मतलब यूएस और इंदौर के स्वाद में बिल्कुल सेम है, ऐसा कैसे? उन्होंने क्या कर रखा है, जो मसाले हैं क्या रखा है, जो मसाले हैं वो यूएस से ही आते हैं, और उसमें जो जो भी है, जैसे आलू पैटिस लिया तो उसमें मसाला डाल दिया, चिकन वाला लिया तो उसमें मसाला डाल दिया, और सेम तरह का बर्गर ही पूरे वर्ल्ड ओवर मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए क्यों पेप्सी को चाह रहा है, पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोल दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आएंगे, है ना। इस पर देखो एक चीज दिया हुआ है, तो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, जरा इसके बारे में पढ़ के आओ क्या है। फिर एक देखो एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पता है क्या मतलब होता है? ठीक है, वो ज्यादा तेज हो गया ये। चलो ये तो कर लिया ना, क्या था, वेराइटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। चलो दूसरा वर्ड यहां पे लिखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? है ना, देखो प्रॉपर्टी मतलब कोई अपना एक असेट, आ रहा है कुछ समझ में? ये असेट अपने इंटेलेक्ट मतलब अपने दिमाग की उपज है। मतलब जैसे मान लो कल को तुमने कोई एक पोयम लिख दी, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना लिया, कोई गाना बना लिया, ठीक है, तो वो कहां से आएगा गाना, है ना। कोई इतने बना सर टूटे दिल से निकला है, कहां से बनेगा, वो दिमाग से ही बनेगा, तो वो क्या हो गई आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो किसी ने भैया कोई डिजाइन बनाया, जैसे देखो आपको पता है ना अपने वो सेमीकंडक्टर चिप की जो डिजाइन होती है, तो किसी ने पूरा सोच के उस डीजल आना बंद हो गई है, क्यों? हाँ बोले ये क्या बात हुई, बोले सुनना, मारुति के पास जो डीजल इंजन था वो फिएट का था, ठीक है। उन्होंने कुछ साल तक पेटेंट व कॉपीराइट ले रखा था एक तरह से, जब वो एग्रीमेंट खत्म, फिएट ने बोला भैया अब आप दूर हो जाओ, हमें इंजन नहीं देना, तो मारुति ने वो लेना बंद कर दिया। दूसरी चीज, अब हमारा देखा है आपने बीएस स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, जिसे पहला था BS3, फिर आया BS4, फिर अचानक से आ गया BS, ये तो पता तो सुना तो है ना, किसी ने बिल्कुल सुना तक नहीं है, ये कभी नहीं सुना, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो देखो क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है भारत स्टैंडर्ड, और ये होता है गाड़ी से निकलने वाले धुएं के अंदर कितने ज्यादा क्या है पॉल्यूटेंट से, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर BS3 है तो कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, है ना। जैसे देखना अभी जितनी भी नई बाइक्स आ रही है, कौन सी BS6 वाली, तो उनका जो एग्जॉस्ट होता है ना, जैसे इंजन से इस तरह से निकलता है या इंजन होता है गाड़ी में, है ना, देखा है कि नहीं, समझ गए? तो ये इंजन निकलता है, यहां पे इतना एक ऐसा कुछ लगा दिया है, देखा है, दिख रहा है ना बाइक, है ना, अरुणाचल जा रहा है शायद ये भी, आ रहा है कुछ समझ में? तो ये इस तरह जब भी दिखे तो समझ जाना वो बाइक कौन सी है, BS6, और BS6 से मतलब इसमें तो जो पॉल्यूटेंट्स है और भी ज्यादा कम हो गए, आ रहा को समझ में? तो जो डीजल इंजन है वो BS6 के बाद अगर मान लो BS7 कल को आ गया, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री
नहीं है, मतलब उसके लिए लायक ही नहीं है वो, मतलब डीजल इंजन है तो इतना धुआं तो वो छोड़ेगा, और अपने इंडिया वाले बोल देंगे कि भैया ये लायक नहीं है। इसलिए मारुति ने अभी से ही बोल दिया कि हम डीजल की गाड़ी बनाओ मत, वरना कल को क्या होगा, बना के रख देंगे और कोई खरीदने वाला नहीं होगा। अरे समझ में आया, इस तरह से ठीक है। चलो ये लिख लिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, इस पे 20 एक पॉइंट बना लेना, फिर इसमें कुछ काम का है। ठीक है, देखो उनका है ना फ्रिटो और लेज पढ़ते हैं ना आप, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है, केस तो अपन जानते ही हैं। ठीक है, एक बार जरा से पढ़ के आना, ठीक है, और फिर मेरे को बताना क्या है, तो अपन इस पे और डिस्कस कर लेंगे। फिर क्या आ रहा है भैया, प्रॉब्लम विथ बीईवी यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब तो पता है सबको, अरे पता है वो ओला की गाड़ी आ रही है कि नहीं आजकल, क्या है सब इलेक्ट्रिक है, तो इसके बारे में थोड़ा देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि HEV क्या है यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होता है, फ्यूल सेल व्हीकल क्या है, और दूसरा क्या है व्हीकल्स लाइक, अरे भाई कहाँ गया, अच्छा ऊपर वाला है कहाँ गया, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इनके बीच में डिफरेंस थोड़ा सा पता कर क्या हो, चार तरह की ईवीज होते हैं, पता था ये अभी तक? ठीक है, फिर क्या है भी पता कर क्या भैया, यूएस का रिपोर्टर रशिया के जेल में 100 दिन क्या कर रहा था, है ना, वैसे क्यों था बोल रहा है वो। ये क्या है, चूराचंदपुर, ठीक है, ये तो देखो अपने पढ़ाई था एक, ये देखा ना कुकी जोमी, वो मैंने तुम लोगों को बोला था जो ट्राइब के बारे में पढ़ के आना, पढ़ के आए तुम लोग, है ना। देखो इसमें ध्यान रखना, जो ये जो कुकीज है ना, ये जो जो एक ट्राइब है, एक ट्राइबल ग्रुप है, याद रखना जो क्या है, एक ट्राइबल ग्रुप है। ट्राइबल ग्रुप कैसा होता है, जैसे देखो एक चीज समझो, एक होता है भील, नाम सुना है, एक होता है गोंड, है ना। तो याद रखना इंडिया में पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा भील होते हैं, पर सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप गोंड है, क्या समझे। है ना, देखो भील का एक पर्टिकुलर डिवीजन वो सबसे ज्यादा है इंडिया में, पर गोंड क्या है, मल्टीपल ट्राइबल ग्रुप का एक ग्रुप है। अरे अलग अलग छोटी छोटी ट्राइब्स है, उन सबको मिला दिया जाए तो वो क्या बोलेंगे खुद को, हम क्या है गोंड है, आ रहा को समझ में। तो इन सबको मिलाने के बाद गोंड सबसे ज्यादा हो जाते हैं, पर एक इंडिविजुअल ट्राइब्स को देखें तो अपन कौन सी बड़ी है, याद रहेगा कोई दिक्कत, तो एक छोटा सा होमवर्क कर लो जरा सा। सबसे पहला तो भील्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मतलब भील्स के बारे में जो पढ़ सकते हो तुम पढ़ के आओ, क्या उनका इंडिपेंडेंस में भी कोई योगदान था, क्या वो ब्रिटिशर्स से भी लड़े, ठीक है, नहीं पता करके आओ थोड़ा सा, क्योंकि देखो ट्राइब खूब चल रहा है इस बार। दूसरा पता करके आओ गोंड्स के बारे में, और मेजर गोंड ट्राइब, समझ में आ गया ना, ट्राइबल ग्रुप और ट्राइब के अंतर, है ना। सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है इंडिया का, छोटी ट्राइब कौन सी है इंडिया की, अंतर समझ गए। तो उसी तरह का एक ट्राइबल ग्रुप क्या है, जो, और उसी में से एक क्या है कुकी, याद रहेगा जो मिजोरम से, जो मिजोरम वाली जो ट्राइब्स है वो सब कौन सी है ना। तो थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ के आओ, देखो पढ़ो तुम लोग ढूंढो, उसमें से कई चीजें नई नई निकल के आएगी, और कई क्वेश्चंस आएंगे कि ये क्या होता है। देखो एक चीज समझो, अगर किसी ने कुछ लिखा है तो वो समझाने के लिए लिखा है, अपना काम है पहले तो उसको समझो, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बैठा हूं, मैं आपको बताऊंगा ये मैं क्यों करवा रहा हूं, क्यों। कल को जैसे देखो केस स्टडी आ गई, तो केस स्टडी छोटा मोटा तो होता नहीं है, उससे पहले आएगा आपका सी सेट कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक पेज का कॉम्प्रिहेंशन आता है, हमारे टाइम तो मैं याद है
एक पेज का पूरा कॉम्प्रिहेंशन था और उसके ऊपर एक क्वेश्चन था सिर्फ, मतलब कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन से भी पास होने के लिए हालत खराब हो जाती थी, मतलब समझ रहे हो बहुत मुश्किल होता है। और अगर मान लो अपनी रीडिंग हैबिट ही नहीं बनी कि हमें तो भैया जब तक सर नहीं समझाएंगे समझ में नहीं आएगा तो पेपर में कैसे करेंगे अपन। पता चला सर जीएस में तो 200 में से 200 बन रहे पर सीसेट में से भी दो भी नहीं बन पा रहे थे, ऐसा कैसा लगेगा, नहीं हो सकता ना। इसलिए मैं तुम्हारी रीडिंग हैबिट बनाना चाह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि बस पढ़ के ही समझ में आया ठीक है, थोड़ा पढ़ो उसको है ना, और कई चीजें आपको समझ में आएगी उसमें, कई नई चीजें देखने को मिलेगी, उसको बारे में अपन फिर देखेंगे ठीक है। चलो फिर क्या है भैया, क्लाइमेट ऑफ कंसर्न, अल नीनो समझाया था मैंने है ना, हल्का फुल्का बताया था मैंने, क्या कहाँ आता है अल नीनो, पैसिफिक ओशन में आता है। और अल नीनो से होता क्या है, कहाँ पे कम होती है, इंडिया में, पर ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा हो जाती है, याद है ठीक है। और दूसरा याद रखना साउथ अमेरिका जो चिली विली वाली जो रीजन है वहां पे भी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है ठीक है। और अल नीनो की बहन उससे क्या होता है, इंडिया में बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है। ब्रोकन बैलेट क्या होता है, बैलेट वोट डालते हैं, अभी देखा वो बंगाल में वो औरत लेके भग गई, देखिए कि ना वो न्यूज, बैलेट बॉक्स ही लेके भग गए वो लोग, उनको लगा चुनाव हारने वाले तो बैलेट बॉक्स ही लेके हो गया। इसको बोलते हैं इलेक्शन रिगिंग, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्शन रिगिंग ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना, देखो यहाँ पे एक इस आर्टिकल में एक चीज लिखा है ऑपरेशन ग्रीन ठीक है, और ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किससे होता है, टॉप के साथ, टोमेटो ऑनियन एंड पोटेटोस। तो थोड़ा सा पढ़ के आओ क्या चीज चल रही है ना, क्योंकि देखो मैंने बताया था हम लोग मिलेट्स को इतना ज्यादा, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं अभी मिलेट्स मिलेट्स खूब चल रहा है, मिलेट्स मोटा अनाज है ना, क्यों इतना क्यों ज्यादा गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। मैं पता अपना 2017 का एक अभी ऐसे नोट्स देख रहा था तो उसपे मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है हिंदी में, तो उसमें दिखा था कि सरकारों का मोटे अनाज को लेकर बड़ा ही रूखा व्यवहार रहा है। एकदम मैंने देखा मैंने, अरे भाई उस टाइम भी मैं क्या पढ़ रहा था, मिलेट्स पढ़ रहा था, और फाइनली इतने सालों बाद मोदी जी को लगा कि मिलेट्स को अपन को लाना चाहिए। तो व्हाई गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग मिलेट्स, और कुछ भी क्लाइमेट कंडीशन पे नहीं बोलना चाहिए, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन भी ये झेल जाता है। दूसरा ठीक है, एंड मिलेट्स वर अवर स्टेपल फूड, क्या होता है स्टेपल फूड, मतलब रोज खाया जाने वाला, जो नॉर्मली हमारी डाइट में जो खाना होता है उसको है, कुछ हफ्तों में खाना नहीं खा पाता, पता है ना, ट्रस्ट भी ब्रो। चलो भैया सचिन धवन क्या बात कर रहे हैं, एम्पावरिंग द डिजिटल नागरिक, क्या है इसका मतलब पढ़ो जरा, बस इतना इतना चाहिए मुझे और कुछ भी नहीं, क्या समझ में आया जल्दी पढ़ के बता दो, और बड़ा करूं क्या इसको, हाँ भाई ऐसा कुछ है ना। देखो डेटा प्रोटेक्शन बिल मस्ट एम एट मेकिंग थिंग्स इजी फॉर ऑर्डिनरी यूजर्स और स्मॉल फर्म्स, देखो ऐसा कल को ना हो, जैसे देखो अब एक चीज है आपको पता है ना, अभी मेटा ने एक नया ऐप लेके आया है, कौन सा थ्रेड है ना, इंडिया में लॉन्च हो गया, यूरोप में लॉन्च नहीं हुआ है, वो पता है क्यों, क्या यूरोप में जो डेटा प्रोटेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे देखो क्या क्यों बता रहा हूं मैं, क्या हुआ आप सब ने ये तीन एप्स तो चलाए होंगे
सबसे पहले क्या चलाया होगा, उसके बाद क्या चलाया था, और आप चला रहे हो, है ना। इसमें आप एक छोटा सा एक वो होता ना जो परमिशन मांगता है, उसमें एक चीज आती है, है ना। फिर एक आता है कि पहले तो आप इंस्टा पे स्टोरी अगर शेयर करते थे तो ऑटोमेटिकली किधर जा सकती थी वो, अब तो व्हाट्सएप पे भी कर दो तो, है ना। पर आपको मैं चीज बता दूं, ये तीनों कंपनीज अलग अलग है, ये तीनों मेटा के अंडर में जरूर आती है पर तीनों अलग अलग है। इसका मतलब ये समझ लो कि तीन अलग अलग दुकान है, आपने यहां खरीदारी करी और बिना बात में इसको भी पता लग गया कि खरीदारी क्या करता है, तो क्या ये सही है, ये सही नहीं है। जब इंडिया में क्या हुआ, जितने भी फेसबुक यूजर्स थे उन सबका डेटा किधर शेयर कर दिया इन्होंने बिना पूछे, व्हाट्सएप पे, तो बहुत हो हल्ला हुआ था। और इसलिए जुकरबर्ग को पता है कि जब यहाँ पे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं जो जानना हो जान लो, तो हम तो सीधा करेंगे यस और दे डाउनलोड। आ रहा समझ में? और फिर बोलेंगे यार ये ऐप समझ में नहीं आ रहा तो अनइंस्टॉल कर देंगे, पर आपने तो क्या दे दी थी उसको, परमिशन। वो आपका सारा डेटा लेके उस टाइम जा चुका है, करते फिर अनइंस्टॉल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है कि नहीं चीजें तुम्हें, अरे बाप रे, है ना। भले आईफोन कुछ नहीं, तुमने परमिशन दी है उसको चलाने की, और अगर परमिशन नहीं दोगे तो ऐप ही नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं समझ रहे हो, है ना। तो उनको क्या हो रहा है कि वहां पे बात ये आ रही है कि भाई थ्रेड्स अगर चलाना है, भाई देखो ऐसा होता है ना कि जब भी अपन कोई नया बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर को ही बोलते आके खरीद लो कुछ, अरे होता है कि नहीं, क्योंकि बाकी कोई तो विश्वास करेगा नहीं मेरे चीज पे, और फैमिली मेंबर सबसे पहले होते हैं जिनको पता है कि इस पे विश्वास कर सकते, होना चाहिए ना, इमेज अच्छी बनाओ फैमिली में, कुछ समझ में। तो इनके साथ यही हो रहा है, थ्रेड्स अगर वहां पे वो कर दिया तो बोले भाई कर तो दो तुम, पर अगर फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के यूजर्स यहाँ पे दिख गए तो हम तुम्हारा ऐप ही डाउन वो क्या कर देंगे, या तो ब्लॉक कर देंगे या फिर तुम पे अच्छा खासा फाइन ठोक देंगे। तो वो पहले पूरी लीगल जो भी चीजें हैं वो कर रहे हैं, बोले इंडिया में कर दो, इंडिया में कोई दिक्कत नहीं, इंडिया में संभाल लेंगे। अरे कुछ समझ में, क्यों, क्योंकि देखो कितने कितने डाउनलोड हो गए पता है, बिलियंस में पहुंच गए वो तो, और उसमें हाफ तो सिर्फ इंडियंस है, और लोग सिर्फ डाउनलोड इसलिए कर रहे दिखाना है, मैंने भी क्या कर लिया डाउनलोड, थ्रेड्स कर लिया, चलाना आता है, और नहीं ट्विटर कभी चलाया था, नहीं है ना। कितने ट्विटर चलाते हैं, क्यों चलाते हो आता किस किस को आता है ट्विटर चलाते, कुछ समझ में, पर फिर भी लोग थ्रेड्स डाउनलोड कर रहे हैं तो इसलिए अपने को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। याद रखना, थ्रेड डाउनलोड किया वो सारा डेटा फिर कॉपी मारेगा, और फिर उस डेटा को वो जो चाहे करे, तुम कुछ भी बोल नहीं सकते। और आपने असुर 2 देखी है, डेटा से क्या नहीं हो सकता, ठीक है। चलो भैया, एनर्जाइजिंग द, हाँ भाई NRF पता है ना, वो अपनों ने देखा था NRF की एक वो आई थी यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसी के ऊपर है, ठीक है। हाँ वही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है उसी के ऊपर है, तो ठीक है थोड़ा पढ़ना है तो एक बार पढ़ लेना, बाकी ठीक है समझेंगे इसको बाद में। अर्नस्ट, ठीक है, लुकहुस, ठीक है, कौन है बताए, कौन है ज़ेलेंस्की, है ना। देखो आयरनी, देखो दोनों राष्ट्रपतियों का नाम क्या है, व्लादिमीर ही है, मैं तुम लोगों को बोला था न्यूक्लियर प्लांट का पढ़ के आने में, मैंने बोला था कि ऐसी क्या चीजें हैं जो न्यूक्लियर प्लांट को मतलब कंट्रोल करती है, बताया था मैंने, है ना, याद रखना ये वाला, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी
एसोसिएशन है मेरे ख्याल से, है ना ये वाला, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आओ। ये इंटरनेशनली सारे जितने भी न्यूक्लियर प्लांट से उनको एक तरह से रेगुलेट करती है ये बॉडी। अभी बस इतना समझ, फिर से लगाने चालू कर दिया है, देखा है कि नहीं। तो ईरान ने क्या चालू कर दिया, फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू कर दिया। और जो उसमें न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें यही हुआ था कि जो आपके न्यूक्लियर प्लांट से वहां पे कौन जाके चेक करेगा, IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन एजेंसी है, ठीक है, एजेंसी, ठीक है। और क्या होता है वो वर्ल्ड, यूरेनियम को क्या करना पड़ता है, एनरिच करना पड़ता है। कितना एनरिच करना पड़ता है मिसाइल बनाने के लिए, 80% प्लस, ठीक है। देख रहे हो क्या लिखा है, डेटा प्रोटेक्शन बिल में लोअर द एज ऑफ कंसेंट इज द रिलेटेड नॉर्म्स। तो थोड़ा सा ये वाला भी पढ़ लेना, देखो इंपॉर्टेंट है अभी सब चीजें, है ना। एडा क्या होता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी नाइस। फिर है देखो, गवर्नमेंट हायर कर रही है एक एजेंसी को जो एस्टिमेट करेगी साइज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। जरा डिजिटल इकोनॉमी क्या होता है पता करके आओ, मेरे को 50 वर्ड चाहिए डिजिटल इकोनॉमी पे। कमिटी, मैंने आपको बताया था जब भी कोई एक बिल बनता है उसको दूसरा, जैसे राज्यसभा ने मान लो इंट्रोड्यूस हुआ है तो पहला राज्यसभा पास करेगा, उसके बाद वो कहां जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा चेक कैसे करेगी, थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी। तो देखो पार्लियामेंट्री कमेटी एंडोर्स द प्रपोज अमेंडमेंट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, लिख लो फटाफट क्या लिखना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसके बारे में थोड़ा पता करना है अपने को। तो देखो उसमें दिख रहा है क्या है, ये एक्ट किसके लिए है, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए है, ठीक है। देखो इसमें क्या दिखा रहा है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री डिनाइज द चार्ज दैट चेंजेस डाइल्यूट वेरियस प्रोटेक्शन लॉ इन लॉ। मतलब देखो यहाँ पे लोग एनवायरमेंट मिनिस्ट्री पे क्या अक्यूजेशन लगा रहे हैं कि आपने अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो प्रोटेक्शन लॉज है जो इसके अंदर वो क्या हो गए, डाइल्यूट हो गए। इसका मतलब क्या है, वो कमजोर हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाना समझते हो ना। चलो देखो इसमें लिखा है ना, टचिंग अ रॉ नर्व, क्या मतलब होता है इसका, मतलब दुखती नस पे, है ना। चलो द प्रपोज अमेंडमेंट देखो क्या क्या है इसमें, बहुत अच्छा दिया हुआ है, डाइल्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1996 जजमेंट इन, ये क्या है, गोदावर्मन केस। चलो पता करके आओ व्हाट इज गोदावर्मन केस, कौन सी ईयर में है ये, 1996, है ना। देखो क्या है, दैट एक्सटेंडेड द प्रोटेक्शन टू द वाइड ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट इवन इफ दे वर नॉट रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट। देखो गोदावर्मन केस में क्या बोल रहा है, उन फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स को भी, मतलब जो दिख रहे हैं जंगल जैसे पर वो जंगल की कैटेगरी में काउंट नहीं किए गए, उनको भी बचाने की बात आई थी यहाँ पे, ठीक है, समझे। जैसे देखो राला मंडल क्या है, अपना एक जंगल है पर राला मंडल के आसपास भी मान लो ऐसा अपना मेघदूत है, मेघदूत एक तरह से जंगल नहीं है पर वहां पे ट्रीज का कवर तो है, एक मिनी फॉरेस्ट है वो, है ना। तो कल को मेघदूत पे अगर मान लो गवर्नमेंट चाहेगा उसको पूरा हटा के एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए तो उसको प्रोटेक्ट करता है कौन सी चीज से, वन केस से। और गोदावर्मन केस को अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे देखो अपने ने पढ़ा था शाहबानो केस, क्या था शाहबानो केस, अरे याद है 40 साल की शाहबानो को क्या कर दिया था, 3 तलाक दे दिया था, कोर्ट पहुंच गई थी तो कोर्ट ने क्या बोला कि इनको कंपनसेशन जो एल्युमनी है वो तो देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। राजीव गांधी ने क्या करा, पूरा धर्मचक्र परिवर्तन कर दिया, बोले कि नहीं जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ है वैसा ही होगा, मतलब कोर्ट का जजमेंट को क्या कर दिया उन्होंने, अरे समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, इन ज्योग्राफिकली सेंसिटिव एरिया विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स और लाइन ऑफ कंट्रोल नो फॉरेस्ट क्लियरेंस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट हाईवे हाइडल पावर प्रोजेक्ट एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे कौन से बता रहा है, 100 किलोमीटर जो ज्योग्राफिकली सेंसिटिव एरिया है,
जैसे मान लो जैसे अभी वो अरुणाचल है अपना, लद्दाख है, उत्तराखंड है, ये कैसा है सब बॉर्डर एरिया है, प्लस कहीं ना कहीं कैसे है ज्योग्राफिकली वेरी सेंसिटिव जगह है वहां, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ था लाइन ऑफ कंट्रोल अपना, अरे पाकिस्तान और वो वाला अपना चाइना वाला है ना, वहां पे अगर कोई फॉरेस्ट पे अगर आपको हाईवे या फिर कोई हाइडल प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या ये सही लग रहा है? नहीं लग रहा ना, होना चाहिए। जैसे देखो अभी किशनगंगा प्रोजेक्ट है, कहाँ है किशनगंगा प्रोजेक्ट, पढ़ाया पिछले बार अभी मैंने, गंगा की ट्रिब्यूटरी है बेटा, वेरी नाइस, पीओके में है। ए दंगे करवाएगा क्या पीओके में, इंडिया बना रहा उसको, झेलम की ट्रिब्यूटरी ऐसा बोल ले पर पीओके में तो मत बोल है ना, याद आया। और देखो अपनों ने इंडस ट्रीटी पढ़ी थी, क्या था इंडस ट्रीटी, क्या थी अपनी ऊपर की थी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कैसी थी पाकिस्तान के लिए, और सॉरी ईस्ट फ्लोइंग पाकिस्तान के लिए और वेस्ट इंडिया के लिए, याद है। और जो किशन गंगा है वो किस ट्रिब्यूटरी, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो किधर है, ईस्ट में है, अरे भूल गए है ना। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बनाना है तो कोई किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, गलत है ये, इसके ऊपर कंटेंशन है। दूसरा देखो क्या है, नो सेंट्रल प्रोटेक्शन फॉर वास्ट ट्रैक्ट ऑफ सो कॉल्ड डीम्ड फॉरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया डीम्ड फॉरेस्ट कैसे हो सकता है, जैसे मेघदूत है ना, समझ में। देखो ऑफिशियली रिकॉर्डेड कैसे फॉरेस्ट नहीं है पर वो काम तो एज ए फॉरेस्ट ही करता है। एंड परमिटेड एक्टिविटीज सच एज, देखो वहां पे क्या परमिट कर देंगे आप, टूरिज्म कॉम्प्रोमाइजिंग देयर इंटेग्रिटी, हो सकता है। और कुछ दिया है इसमें, देखो वही वाला दिया एक, देखो एक्ट एम्पावर द सेंटर टू रिक्वायर दैट एनी फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस बी ड्यूली कंपनसेटेड। अगर किसी फॉरेस्ट लैंड को आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर दे दो, मतलब मान लो कल को राला मंडल पे अपने को क्या करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो क्या कर दो आप उस फॉरेस्ट को हटा दो और वहां पे क्या कर दो, कंपनसेशन दे दो, सही है। अरे हाँ या ना तो बोल दो यार बोले सर हमें तो सिलेक्ट होना है, कैसे बोल दे हाँ है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है ऑब्जेक्शन रेड बाय द बिलियन, ठीक है कोई काम का नहीं है, चलो नेक्स्ट आए अपन आगे। ये वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ तो जल्दी से, रोड पे चलने वाले, पैदल चलने वाले रोड पे चल रहे, सही एक चीज लाते हो तुम लोग, ब्रिटिशर्स होते ना हार्ट अटैक से मर जाते हैं इसी इंग्लिश से। देखो ये क्या दिख रहा है, कितने सारे नहीं, क्या है ये बताओ पहले तो, टर्टल्स। अच्छा टर्टल और टोर्टोइस में क्या अंतर होता है कौन बता सकता है, हाथ ऊंचे करो। एक होता है टर्टल, एक होता है टोर्टोइस, पढ़ा है सबने है ना। और मुझे बताओ वो जो रैबिट और वो जो कछुए वाली जो स्टोरी है उसमें वो क्या है, टर्टल है कि टोर्टोइस है, क्या अंतर होता है। अच्छा लेक का क्या फर्क एक को ऐसे फ्लैपर्स होते हैं और एक को पैर होते हैं है ना, जरा पता करके आओ इंडिया में कितने तरह के टॉर्टोइस और टर्टल यहाँ पे पाए जाते हैं जो एंडेमिक है। एंडेमिक क्या होता है, जो सिर्फ इंडिया में ही पाए गए हो, ठीक है। नमामि गंगे प्रोग्राम पता है सबको,
क्या है नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा को क्लीन करना, तो थोड़ा सा 50 वर्ड उसके ऊपर भी बना के रख लो, कुछ नहीं जाता अपने को। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ना कौन से टर्टल है, उनको खा लेते हैं, क्योंकि देखो ये टर्टल कैसे होते हैं, हर्बीवोरस भी होते हैं और यानी ये क्या है एक तरह से ओमनिवोरस है। ये देखो ना क्लियरिंग द रोटन या फिर हाफ बर्ड, उसको खा लेते हैं आराम से ये। है ना, इससे गंगा जी क्या हो रही है, क्या क्या क्या, हाँ ठीक है। देखो इसमें चंबल एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है, बाकी तो कुछ भी नहीं ऐसा, ठीक है। कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो यार उसको पूरा फाड़ दिया, उन दो थे पूरा कबूतर को पकड़, पता नहीं कैसे क्या पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ लिया, शिकार कर लिया उसका, मतलब मेरे को तो लगा था कछुए कछुए क्या कछुए है बेचारा कबूतर से पूछो क्या कछुए है क्या। तो वही है उनके वो प्राइवेसी में वो अनन आ रहा होगा, है ना, पिजन्स के द्वारा। ये क्या है, फियास्को एंड थिंकिंग बियॉन्ड राइस, वो होता ना शोर शराबा करना, ठीक है। चलो इसमें देखो कर्नाटक वाले कुछ बोल रहे हैं ना, चावल चावल वाला अन्न भाग्य स्कीम, और उसके लिए भी क्या नहीं मिल रहा उनको, अन्न नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी चीज है। तो देखो क्या चल रहा है, लो अभी जो मैंने बोला था तुम्हें इसमें पूरा है, पढ़ लेना, ठीक है। और ये वाला आपने पढ़ा था ओपन मार्केट सेल स्कीम, क्या था ये, गवर्नमेंट क्या करती है ओपन मार्केट से, पर उसमें बोल दिया था कि स्टेट्स अपनी जो इस तरह की जो स्कीम से गरीबों के लिए उसके नहीं खरीद सकता, याद है अपने पढ़ा था ये चीज। थोड़ा सा इसके बारे में भी 50 वर्ड बना के रख लो। फिर और कुछ दिख रहा है, चलो रिस्टोरिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्राउन ज्वेल, क्या बोल रहा है भैया इसमें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये, रेगुलेट तो नहीं बोलेंगे, देखो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मोस्टली सारी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज इसके अंदर है, और ये बोलता है कि ट्रेड जो भी है वो फ्री और फेयर हो। आ रहा कुछ समझ में, फ्री और फेयर मेरे ख्याल से आप लोग को पता है। इसका दो कुछ चीज समझ लो, आपको पता है ब्रेटन वुड्स कन्वेंशन, नाम सुना है, इसी के थ्रू आपके वर्ल्ड बैंक और IMF बनते हैं, ठीक है। इसी के टाइम पे एक एग्रीमेंट होता है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड, है ना, GATT एक एग्रीमेंट होता है, और इसी में बात आती है कि अपने को एक और बनाना है, वो होगा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आ रहा कुछ समझ में, कब बात चल रही है, ब्रेटन वुड्स कन्वेंशन में, ये हुआ था 1945 समथिंग में। आ रहा कुछ समझ में, इसी के थ्रू क्या बने हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF बने हैं, और इसी में एक और चीज बनी थी, क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। अब यहीं पे एक और बात क्या हुई थी, क्या बनना चाहिए था, एक ITO, क्या है ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए था, पर ये नहीं बन पाया, क्या कारण था अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके कारण जो भी ट्रेड था वो उसको रेगुलेट कौन करने लगा, फिर GATT। ये चीज चली 1995 तक, और फिर इसके बाद बना है अपना GATT, क्या बन गया फिर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, याद रखना। ये सारे ट्रेड को, सारी कंट्रीज को एक्चुअली रेगुलेट करता है,
ये चाहता है कि जो भी ट्रेड है वो फ्री हो और फेयर हो। अरे कुछ समझ में, यही बात करता है सब्सिडीज की। देखो ये है ना, तीन या चार तरह की सब्सिडीज बोलता है। आपने ट्रैफिक लाइट देखी है सबने? कौन है जिसने आज तक ट्रैफिक लाइट नहीं देखी? सबने देखी है? तो देखो ट्रैफिक लाइट कुछ ऐसी होती है। कौन कौन से कलर होते हैं? सबसे ऊपर कौन सा होता है? सबसे ऊपर एम्बर, वेरी नाइस। और फिर कौन सा होता है? येलो नील। लो भैया येलो है ना, बोलो जुबा, कोई दिक्कत? ऐसे ही कुछ होता है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो, है ना। तो देखो उसने सब्सिडी को भी इसी तरह से बांट रखा है। अगर मान लो कोई सब्सिडी को क्या मिल गया, इसको बोलते हैं ये लोग बॉक्स, है ना। मान लो अगर किसी सब्सिडी को रेड बॉक्स में डाल दिया, मतलब कोई भी देश ये फलाना सब्सिडी दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इससे जो ट्रेड है उसमें डिस्टॉर्शन होगा। समझ में आया? उसके बाद कौन सी आती है? ऑरेंज। आ रहा को समझ में? इसमें क्या होगा, अगर इस बॉक्स में होगा तो इस सब्सिडी को एक लिमिट तक आप दे सकते हैं, बाकी फिर आपको रोकना पड़ेगा। और अगर किसी में ग्रीन बॉक्स है तो इस सब्सिडी को जितना चाहो दो, क्योंकि इससे कोई भी ट्रेड का डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। याद रहेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वही बता रहा हूं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है इनका मिनिस्ट्रल, तो एक बता देता हूं, यूएस और WTO के बिल्कुल नहीं बनते। क्यों? यूएस भी क्या चाहता है, पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को कंट्रोल करना। WTO का काम क्या है? वर्ल्ड के ट्रेड को कंट्रोल करना। तो भैया एक जंगल में दो शेर, अरे हाँ या ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीजें होती है। तो ये अपना यूएस बार बार पता धमकी क्या देता है, ज्यादा कुछ करोगे तो WTO छोड़ दूंगा। तो ये लोग बोलते हैं वो छोड़ दे, तो ये वहां पर जाता है फिर आ जाता है, ऐसा चलता रहता है इसके साथ, ठीक है। दूसरी चीज देखो यहाँ पे दे रहा है डी जुडिशलाइजेशन ऑफ ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म। देखो वर्ड समझ लो पहला, एक वर्ड दिया है यहाँ पे मल्टीलेटरल, क्या होता है मतलब कोई बताएगा? मैंने बताया एक बायलेटरल, क्या होता है बायलेटरल? मतलब दो नेशंस के बीच में। मल्टीलेटरल का मतलब क्या होगा, जैसे देखो भाई US और इंडिया है, अगर इन दोनों के बीच ही ट्रेड हो रहा है तो कैसा हो जाएगा वो? बायलेटरल। पर भाई इंडिया इजिप्ट के साथ भी चल रहा है, अभी UK के साथ भी हो रहा है, रशिया के साथ भी चल रहा है, तो क्या है मल्टीपल कंट्रीज है, इसको क्या बोलेंगे अपन? मल्टीलेटरलिज्म, कोई दिक्कत? ठीक। अब डीजुडिशलाइजेशन का मतलब हो रहा है कि देखो क्या करता है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो कंट्रीज है जो मान लो अगर इसके रूल्स को नहीं मानती है तो उनपे कुछ फाइन्स भी लगाती है। आ रहा कुछ समझ में? तो यहाँ पे वही बात आ रहा है कि भैया देखो US क्या कर रहा है, इस तरह से जो ट्रेड लेटरलिज्म है उसको रोकना चाह रहा है। US हर चीज क्या चाह रहा है कि बस उसी के फेवर में हो, इसी के ऊपर बात की गई है। समझ में आया यहाँ पे? तो ये आर्टिकल आप पढ़ना जरूर। देखो जो जो फंडा है वो मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है, अब आपको समझना है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। समझ में आया? देखो पढ़ने की हैबिट आज से करो, बहुत जल्दी अब अपन लिखने पे आने वाले हैं, क्योंकि लिख तभी पाओगे जब तुम पढ़ना सीख जाओगे। आ रहा कुछ समझ में? आज कॉपी देखी ना आप लोगों ने, अंतर देखा अभी क्या हालत है अपनी? थोड़ा लेट हो गया ना, कॉपी देखी थी? नहीं देखी ना। देखो इसमें एक और चीज दिया है WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग। इसमें पता जैसे आया था कि US ने क्या करा था, बासमती चावल को पेटेंट कराने की कोशिश की थी, US ने नीम को पेटेंट कराने की कोशिश की थी, जबकि खुद US को नहीं पता व्हाट इज, तो ऐसे ऐसे हरकतें भी कर चुका है US, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक चीज सुनो, US और इंडिया की हमेशा लड़ाई चलती है एक चीज पे जो होता है जेनेरिक मेडिसिन। पता है ये क्या होती है? क्या था जेनेरिक मेडिसिन?
भाव बहुत ज्यादा होते हैं। जो हेल्थ के लिए बहुत क्रूशियल होती है उनको क्या बोलते हैं अपन, जेनरिक मेडिसिन। जैसे भाई सर्दी की गोली है, या फिर कभी देखा डायबिटीज की, हार्ट के कोई प्रॉब्लम की, आ रहा कुछ समझ में? अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे किसी ने कोई एक ड्रग को इन्वेंट किया, बोले इस ड्रग को या इस गोली को आप अगर खाते हो, जो भी दवाई है वो एक ड्रग है, याद रखना है ना, ड्रग का मतलब वही नहीं होता, बस गायब नहीं होते वो, आ रहा को समझ में? ड्रग अच्छे भी होते हैं, है ना, हर दाग पूरे नहीं होते, कुछ दाग अच्छे भी होते हैं, तो याद रखना कुछ ड्रग्स अच्छे होते हैं, उनको अपन दवाई के रूप में खा लेते हैं, आ रहा को समझ में? अब देखो क्या होता है, मान लो किसी कोई कंपनी है, उसने एक ड्रग इन्वेंट किया और बोले इस ड्रग को अगर आप खाते हो, इस दवाई को खाते हो, तो जो आपका मान लो जैसे किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है, या फिर अपन और थोड़ी ऐसी खतरनाक बीमारी, कोई दिल की बीमारी मान लो ले लो, है ना, तो भाई अगर आप ये खाते हो तो आपका ये चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर उसने उसकी क्या कीमत रख दी, बोले एक गोली है भैया 5 लाख रुपए की। आता है ऐसे इंजेक्शन पे आते हैं, जैसे देखो वो अपने रेमडेसिविर, अरे क्या था उसमें कायदे से देखो इंजेक्शन वो 1000-2000 800 रुपए समथिंग का आता है, पर उस टाइम 33-40-40 हजार तक का बिका। क्यों? डिमांड और सप्लाई, तो कंपनी कर सकती है। और देखो वो अगर वो उस ड्रग को पेटेंट करवा लेगी तो कोई दूसरी कंपनी बना पाएगी उसको? नहीं। तो ये जितने चाहे उतने में बेच सकती है, भाई जिसको जरूरत है वो तो लेगा ही लेगा। जैसे एक आता है स्टेंट, पता है आपको क्या होता है स्टेंट? पता है वो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, क्या होता है इसका मतलब, खून जम जाता है। क्या होता है? देखो एक चीज समझो, इसको हटा दो। देखो अपनी जो ब्लड जो वेन्स है, वेन्स और एक और कौन सी होती है, आर्टरीज, तो अच्छा खून किसमें रहता है? अच्छा सुनो, ये हाथ पे जो अपने नसें दिख रही है, ये क्या है, वेन्स है कि आर्टरीज है? सबके दिख रहा है ना, याद रखना, जिसके नहीं दिख रहा उसको कुछ प्रॉब्लम है, जबरदस्ती निकाल होता है। कुछ समझ में है ना? तो देखो इसमें क्या है, जब ऐसा ब्लड जाता है ना तो यहाँ पे कुछ ऐसा फैट टाइप से जम जाता है, आ रहा कुछ समझ में? ठीक है, तो अब क्या होता है भाई, आपका ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ब्लड का काम क्या है बॉडी में, चलो ऑक्सीजन पहुंचाना, उससे क्या होता है, सारे अपने जो सेल्स से है उनको ऑक्सीजन मिलते रहेगा तो बॉडी सही से काम कर पाएगी। अगर ऐसा होने लगा तो क्या होगा, बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगी। देख किसी को बोलते ना भाई उनका वो ब्लड का वो कुछ है, तो वो चलता चलता आदमी एकदम गिर जाता है, अरे सुना कि नहीं, ब्लॉकेज है बोले। क्यों? क्योंकि उनको क्या है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पा रहा, जिनको ब्लॉकेज होता है वो ज्यादा हैवी काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हैवी काम करेंगे तो बॉडी को क्या रिक्वायर्ड होगा, ज्यादा ऑक्सीजन, और जब ब्लड ही अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा तो दिक्कत है। स्टेंट क्या होता है, डॉक्टर देखा आपने कई वीडियोस भी देखा होगा, इस तरह का जाता है और यहाँ पे इसको ऐसा पूरा हटा देते हैं और यहाँ पे एक तरह के ऐसे नली लगा देते हैं, एक लोहे की, लोहा तो नहीं बोलेंगे पर एक ऐसा मेटल का कुछ लग जाता है, जिससे क्या होता है ये नली फिर मतलब यहाँ पे थोड़ी जगह ज्यादा हो जाएगी और ब्लड फ्लो अच्छे से होगा और इस तरह का ये जमेगा नहीं, ये होता है ब्लड फ्लो। और बाईपास सर्जरी सुना है कभी? बाईपास में क्या होता है कि अब यहाँ पे इतना ब्लॉक हो गया है कि यहाँ पे अब स्टेंट नहीं लगा सकते, तो कुछ नहीं करते इसको अपन और एक नई नली जोड़ देंगे। तो अपनों ने क्या कर दिया भैया, देखो सुनो, जैसे देखो पहला इंदौर में से ये जा रहा था, यहाँ से बीच में सब रोड जा रही थी, ए बी रोड अगर आएगा है ना, तो आप राऊ से यहाँ तक देवास नागे तक पहुंचोगे, या कहाँ पहुंचा था बाईपास अपना, मांगलिया पहुंचा था है ना, कम से कम 2 घंटे लगेंगे, वहीं पे अपन 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। इस तरह से ये होती है आपकी बाईपास सर्जरी, है ना, इतना डरना नहीं, बोले क्या करना है, बोले डॉक्टर क्या लगा दो एक। आया कुछ समझ में? तो इसके ऊपर बहुत झगड़े होते हैं,
जैसे स्टेंट जो यूएस की कंपनी ने बनाई थी, तो बोला एक स्टेंट पड़ती है 5 लाख की, हमारी बेंगलोर की एक कंपनी ने बनाई थी 2500 रुपए की। कितना अंतर? बहुत अंतर। और सबसे जो बड़ी चीज इसमें बोला, इसको अपन बोलते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन के अंदर ला दो, तो जेनेरिक के ऊपर पेटेंट लागू नहीं होता, क्योंकि ये तो लोगों की भलाई के लिए है। तो भैया यूएस लड़ने आ गया, हमने इतनी रिसर्च करी, इतना पैसा बहाया, हमने रखा था कि चलो 5 लाख रुपए अपन रखेंगे तो थोड़ा सा अपने को क्या मिलेगा, इसका रिटर्न मिलेगा। तुमने तो कितने में बना दी, समझ में आ रहा है? इसलिए लड़ाई चलती रहती है। तो ये सब WTO में जाके यही लड़ाई करते हैं फिर। अरे बाप रे, छोड़ जाए ये चीज है ना। तो मैंने जैसी देखा तो मैंने सोचा छोड़ देते हैं अभी, है ना। ये तो अपनों ने पढ़ा था, बैड लोन एट बट राइट ऑफ स्टिल इन मिक्स। थोड़ा सा समझ लो, बैड लोन याद है क्या होता है? बैड लोन को एक और क्या बोलते हैं अपन? NPA। बिल्कुल दोस्त आया था कि भाई जहर खाने के भी पैसे नहीं है, थोड़े पैसे दे दो, जरूरत है। अब आप अपने दोस्त से पैसे मांग रहे हैं, वो क्या बोल रहा है फिर से? अब तो जहरीला जहर खाने के भी पैसे आ रहा है कुछ समझ में? तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। आप तो आप क्या बोलोगे अब इसको? चलो भुला देते हैं हम तुम्हें, आ रहा समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं अपन? राइट ऑफ। जब बैंक को समझ में आ गया कि सारे चीजें करने के बाद भी अपन बैड लोन को गुड लोन, मतलब आपने मान लिया मेरे दोस्त को दिया ही नहीं थे पैसे, तो क्या आप पे कोई उधारी रही आज? आप फ्री व्यक्ति हो गए आप, सही? यही चल रहा है, समझ में आया किस तरह से बैड लोन क्या हो रहे हैं अब? अरे लो चल रहे हैं, क्यों क्या करा जा रहा है उसका? ना रहेगा बांस, समझ में आया? थोड़ा से पढ़ लोगे एक बार, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है भैया? अनटैंगलिंग थ्रेड। स्काई के ऊपर है, अरे अपना ही थ्रेड, ट्विटर और उसका है क्या? ठीक है देख लेना अगर तुम्हें कुछ समझ में आता है तो। देखो व्हाट इज थ्रेड दिया हुआ है क्या, ये देखो मैं बता रहा था तुम्हें, ये लो भैया। व्हाई थ्रेड इज फेसिंग, पढ़ लो पूरा पढ़ लोगे अब तुम लोग, ठीक है। ये क्या है? काम का नहीं, नहीं कुछ है, क्या लिया ये? डिजाइन एजुकेशन इन इंडिया इट्स ओरिजिन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, कुछ दिया है इसमें। देखो कुछ रिपोर्ट आई है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, थोड़ा सा इसके बारे में ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना तुम लोग क्या 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 दिया हुआ है इसमें, है ना, ठीक है, ताकि ये रिपोर्ट को अपन कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। चलो ये क्या भैया? अहेड ऑफ इंडिया सेकेंड अटेम्प्ट टू सॉफ्ट लैंड अ रोवर ऑन मून, लूनर मिशन ऑफ द पास्ट, ये था, ये तो काम का ही नहीं है। चलो देखते, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू रीच द मून सरफेस वॉज लूनर 2, सो लॉन्च बाय सोवियत यूनियन, बट विच वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट मिशन टू द मून विच द US Air Force लॉन्च ऑन द मिसाइल दैट ब्लू अप द अर्थ, ये नहीं पता भाई, मतलब इन्होंने देखो सबसे पहला तो किसने भेज दिया था, याद रखना है ना, याद रखना ये एक इम्पैक्ट वाला था, मतलब वहां जाके ऐसा नहीं था कि कुछ था, बस वो जाके सीधा भिड़ गया और बोले अपनों ने क्या कराया, थप्पा लगा दिया, ठीक है। अब ये वाला देखो, इन्होंने भी छोड़ा था तो मिसाइल कितनी दूर तक गई थी, तो चांद कितना दूर है? 3 लाख किलोमीटर, तो 3 लाख माइनस 16 तो बस इतनी दूर रह गए है, ठीक है, वरना पहुंच जाते लूना और इंडिया भी भेजने वाला है। इंडिया के रोवर का नाम क्या है? कुछ नहीं पता। चंद्रयान 3 क्या करने जा रहा है वहां पे? मैंने होमवर्क दिया था, क्या करने जा रहा है वहां पे, कब जा रहा है?
14 जुलाई को क्या करने जा रहा है? अच्छा हाँ, तो क्या क्या कैसे करेगा वो चीज? तीन चीज जा रही है, नहीं दो चीज जा रही है, पहले टू में क्या गई थी? तीन चीज गई थी, क्या क्या? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। अभी क्या जा रहा है? सिर्फ लैंडर और रोवर, क्योंकि ऑर्बिटर तो ऑलरेडी है वहां पे। ऑर्बिटर क्या कर रहा है? ऑर्बिट करेगा, लैंडर वहां पे लैंडिंग करवाएगा और रोवर वहां पे घूमेगा, ठीक है। नासा लॉन्च द रेंजर 6 स्पेस प्रोब, इट वॉज फिट विथ 6 टीवी कैमराज एंड वॉज एक्सपेक्टेड टू कैप्चर अ सीरीज ऑफ क्लोजअप इमेज ऑफ मून सरफेस बिफोर इट क्रैश। हाउएवर अ माल फंक्शन प्रिवेंटेड इट फ्रॉम सेंडिंग एनी डेटा। द इंसिडेंट कॉज द वर्क ऑफ विच रिसर्च बॉडी टू बी कॉल्ड डिसग्रेस। नासा ही होती है ना फिर तो, नहीं पता भाई छोड़ो, इतना कौन पड़ता है। क्या है ये? Became the third country to reach the surface when it deliberately crashed an orbiter once its primary objective had been achieved. Moon को जाके क्या करा? सीधा impact करा था, ठीक है, देखा था इसमें झंडा भी था अपना, ठीक है। Which slammed into crater on the moon, kicking up the debris. Instrument on the orbiter analyzed this debris and discover water ice on the moon. Name the crater. पता करके आना भैया कौन से crater पे अपने ने छोड़ा था। पता है क्या हुआ यहाँ पे? जो प्रोब जो छोड़ा था ना, तो जैसे ही हुआ तो उसने कुछ ऐसी चीजें उड़ाई, डेब्रीज उड़ी, तो उस डेब्रीज को स्टडी कर लिया और उससे पता लगा कि जो उड़े थे वो बर्फ के टुकड़े थे। तो क्या पता लग गया अपनों को वहां पे, ठीक है। और फिर देखो अब ये क्या दिया हुआ है भाई, दिस इज वन साइड ऑफ द सिल्वर मेडल ऑफ इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, इट डिपिक्ट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द लूनर लैंडर मिशन। अच्छा क्वेश्चन क्या है? हाँ वो तो यही है, यहाँ पे लिखा भी कुछ है ना, क्या लिखा है? पढ़ने में आ रहा है तुम्हें? फ्रॉम द अर्थ टू द मून। वैसे ये देख तो अपना चंद्रयान टाइप का रहा है, ठीक है। वैसे देखो आपको एक चीज बताऊं, जो आपका अपना चंद्रयान 3 है ना, इस बार एक थोड़ा सा अलग चीज कर रहा है। जैसे देखो जो अपना चंद्रयान 1 और 2 जो थे, ये PSLV से छोड़े गए थे। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें पोलर का मतलब होता है अर्थ से 200 से लेकर 100 किलोमीटर ऊपर, समझ में? मतलब अर्थ है वो अर्थ के ऊपर, अगर इतने ऊपर तक 200 से 1000 किलोमीटर ऊपर कोई ऑर्बिट करेगा तो उस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं अपन? पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। और इस पोलर ऑर्बिट में अगर कोई स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? PSLV। आ रहा कुछ समझ में? हम चंद्रयान GSLV से छोड़ रहे हैं, जियो स्टेशनरी। यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितना ऊपर होता है? 10th क्लास 36,000 किलोमीटर। ये कब छोड़ेंगे अपन? 36,000। चांद कितना दूर हो रह जाएगा? 3 लाख माइनस। तो देखो अब वो जो मेडल है ना, जो अभी आपने देखा उसमें देखो इन्होंने भेजा कैसे था। PSLV तो कितना था? चलो मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं? 1000। चांद बहुत दूर है, उन्होंने क्या करा था? ये अर्थ है, ये अपना क्या? और फिर एक टाइम पे यहाँ पे ऐसे छोड़ दे और फिर ऐसे पहुंच। समझ में आया कुछ चीज? इसको समझ में बिल्कुल नहीं आया। जैसे यहां तक छोड़ा तो देखो अब अपन क्या कर सकते हैं ना, 3 लाख किलोमीटर तक तो कोई रॉकेट है ही नहीं, मैक्सिमम कितना ले जा सकता है? 36,000। आराम समझो, उसके बाद फ्यूल हो जाएगा खत्म। मंगल मिशन देखिए मूवी है ना, उसमें वो पूड़ी का एग्जांपल देता है, वो गरम तेल में भी पूड़ियां बन रही है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे पहला थ्रस्टर लगाया, फ्यूल भैया छोड़ दिया, तो वो सैटेलाइट पहला यहाँ जाएगा और फिर ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू इसको बहुत दूर तक फेंकेंगे, यहाँ पे जाके फिर से इंजन चालू कर देंगे और बोलेंगे भैया वापिस जा तू। आ रहा कुछ समझ में? फिर से ऐसा आएगा, फिर अब इसको दूर तक फेंकेंगे इस तरह से जुपिटर के लिए, तो वो जुपिटर के जाके ऐसे चक्कर काटा, फिर गया सैटर्न, फिर सैटर्न के काटा और फिर गया प्लूटो के पास। आ रहा कुछ समझ में? और अभी स्पेस के मतलब प्लूटो को भी क्रॉस कर चुका है, ठीक है। कौन सा है? अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। कौन सा है?
वॉयजर और एक ही है क्या? अच्छा किसने भेजा था मुझे क्या पता? अरे छोड़ो ठीक है। देखो ये बोल रहा है यूसीसी में आपको क्या एक और देखना चाहिए, जेंडर जस्टिस। और अगर ऐसे कोई भी पर्सनल लॉ है जिसमें क्या नहीं मिल रहा है, जेंडर जस्टिस नहीं मिल रहा, उसको क्या कर दो आप, अमेंड कर दो। ठीक है और कुछ है ऐसा काम का भाई? देखो रिपोर्ट हाईलाइट द इंपैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन एजुकेशन, कौन सी रिपोर्ट है बस ये देख लो, यही है ना, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, कोई किसने निकाला देखो, रिलीज बाय कौन सी मिनिस्ट्री, लिखा ही नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है इंपॉर्टेंट हो गया अपने लिए। फिर देखो इसमें क्या दिया हुआ इन्होंने, एक आंशी और द लोएस्ट ग्रेड इज 3। वाह यार अच्छा लिखा है ना। सही पढ़ रहे हो यार, अच्छा पहले से पढ़ के आए, ओके ठीक है। और 121 डिस्ट्रिक्ट को क्या मिल गया है, अति उत्तम, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने इतना बचा पाए, है ना, सबको इतना ही मिला है। ठीक है और कुछ है इसमें काम का दिख रहा है, अति उत्तम कौन कौन थे इसमें लिखा है, चंडीगढ़ रिटेन इट्स अति उत्तम स्टेटस एज वेल एज सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र सतारा नासिक एंड मुंबई अचीव दिस स्टेटस एज डिड कोलकाता, मतलब अति उत्तम में आ गए। तमिलनाडु हैज सेवरल डिस्ट्रिक्ट इन फोर्थ बेस्ट ग्रेड उत्तम, और एमपी का नाम दिख रहा है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ कब से, आकांक्षी 3 में आ जाए यार, अपन बोलते ना लिस्ट नीचे से चेक कर। चलो देखो दीज कैटेगरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 12 डोमेन्स, फटाफट लिखते जाओ कौन कौन सा है, देखो 12 डोमेन्स यहाँ पे दिया है, लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, क्या मतलब समझते हो इसका, कि भाई देखो लर्निंग का आउटकम ऐसा है कि अगर आपको पढ़ा दिया भैया 2 1 2 तो उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। अच्छा 2 2 4 इसका मतलब क्या होता है, ये क्या पूछ लिया सर आज, हाँ तो क्या 2 + 2 = 4 तो 2 × 2 = 4, हाँ तो बताना चाहिए था ना, आए समझ में, लर्निंग आउटकम। फिर एक्सेस द क्या है आउटकम, अब देखो जो तुमने किया है भाई उसका आउटकम को क्या करना है आपको, चेक भी करना है। फिर देखो टीचर अवेबिलिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट आउटकम, भाई टीचर है भी कि नहीं, और अगर है तो भैया वो लायक है भी कि नहीं, जैसे देखा ना कई वीडियोस में टीचर इतने सही है कि स्टूडेंट तो टॉप करेगा ही करेगा, है ना। फिर देखो क्या है लर्निंग मैनेजमेंट, समझते हो इसका मतलब तो, है ना। फिर क्या है लर्निंग एनरिचमेंट एक्टिविटीज, जैसे देखा बच्चों को राइम्स के थ्रू कुछ गेम्स के थ्रू याद करवाते हैं, वो सब चीजें हैं। फिर क्या है जैसे देखो मैंने कैसे सिखाया था तुम्हें कि भाई ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है, भूलोगे आप कभी, कभी नहीं भूलोगे आपको, है ना, एक बार सच में ग्रेविटेशनल वेव्स भूल जाओ पर क्या याद रहेगा, है ना, इस कारण। दूसरा क्या है फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, किस स्कूल में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी चीज देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझते हो वैसे, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं बोल रहा हूं तो, हाँ बेंच टेबल भी आएगा और बुक्स और प्लस जो ये चीज होती है ये इंक्लूसिव होना चाहिए। अगर मैं बोल सबके खिलौने 12वीं में खेलो
आ रहा कुछ समझ में? इस तरह का होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर. फैसिलिटीज ठीक है, स्टूडेंट एंटाइटलमेंट है ना, मतलब देखो स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें मिलना चाहिए उसके ऊपर है. दूसरा क्या है देखो, स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, ऑब्वियस सी बात है ये होना चाहिए. फिर क्या है, डिजिटल लर्निंग. किस किस स्कूल में आपको पता है अभी कई सरकारी स्कूल में डिजिटल लर्निंग चालू हो चुकी है, मतलब ये इस तरह का डिजिटल बोर्ड तो नहीं है पर वो जो वो होता है ना क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर, उस पर पढ़ाना चालू कर दिया उन्होंने. फिर कहाँ गए अपन, फंड कन्वर्जेंस एंड यूटिलाइजेशन. एक तो फंड जो आता है उसका क्या क्या वो ढंग से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. फिर क्या है, अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम. देखा है कई स्कूलों में वो मशीन लग चुकी है अटेंडेंस वाली. फिर क्या है, स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट जैसे NSS या फिर NCC. अरे गाइड वाइड होता है कि नहीं चीज है, ठीक है वही वाला स्काउट गाइड, अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम. और दूसरा क्या है, स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट है. इसमें जो स्कूल वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है. चलो ये क्या है भैया, इनको जानते हो कौन है ये, कौन है पीटी उषा, क्यों फेमस है पीटी उषा? नाम सबने सुना है. एक और सुना है अंजू बॉबी जॉर्ज, पता करके आओ कल दोनों के बारे में, पीटी उषा और अंजू बॉबी जॉर्ज. टूर दे फ्रांस छोड़ो, चलो ये क्या है, ग्लोबल ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट कवर कंटिन्यू टू डिक्लाइन अनहैबिटेड इन. देखो भैया किस तरह से फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, देखो कितना सही फोटो है इधर, अनडिस्टर्ब इन रिसेंट हिस्ट्री. प्राइमरी फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, वो मैच्योर नेचुरल फॉरेस्ट दैट रिमेन अनडिस्टर्ब, दे ऑफन स्टोर मोर कार्बन देन अदर फॉरेस्ट एंड आर रिच सोर्स ऑफ बायो. इसका मतलब क्या समझे आप, स्टोर मोर कार्बन. अरे कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करते हैं ना, तो अपने अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज अपन देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो फॉरेस्ट क्या करते हैं उसको कम करते हैं कंट्रोल करते हैं. प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस्ट इज ऑलमोस्ट इररिवर्सिबल इन नेचर. अगर कोई भी प्राइमरी फॉरेस्ट का लॉस होता है तो वो कैसा होता है, इररिवर्सिबल, फिर से आप वैसा नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि देखो वो कैसा होता है, नेचुरली ग्रो होता है ना. दूसरा देखो, अ सेकेंडरी फॉरेस्ट इज अनलाइकली टू मैच इट्स कार्बन बर्ड, दिया हुआ है. दो तीन चीजें पढ़ लो, एक होता है कार्बन सिंक है ना, कार्बन सिंक कैन बी फॉरेस्ट कैन बी ओशंस, ठीक है, मतलब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कार्बन को कैप्चर करते हैं. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दूसरा एक वर्ड होता है कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, सिक्वेस्ट्रिंग, जो भी बोला, अभी बोलते हुए नहीं बन रहा, मुंह दुख रहा है मेरा, ठीक है. इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है एनवायरमेंट से कार्बन को कैप्चर करना. इट कुड बी नेचुरली, इट कुड बी आर्टिफिशियली. नेचुरली विल बी थ्रू फॉरेस्ट एंड ओशन, आर्टिफिशियली लाइक वो अपने देखा था हाई कोर्ट पे मशीन लगी हुई है, अरे याद है ना, दिल्ली में चंको, अरे समझ में. अब यहां से क्या करेंगे, जैसे मान लो देखो कोई एक माइन हुआ है ना, माइनिंग की, तो माइनिंग में क्या होता है भाई, माइनिंग में क्या होगा, गड्ढा कर दोगे इस तरह से और सारे जो रिसोर्सेस है वो निकाल लिया आपने, है ना, मतलब माइनिंग में इतना बड़ा गड्ढा भी नहीं होता और छोटा सा जाता है ना, तो भाई अब क्या करो, ये पूरा खाली हो गया, तो आपने क्या करा, जो भी कार्बन आपने कैप्चर किया है वो क्या करो, यहां पे जाके स्टोर कर सकते हो आप, समझ में आ रहा है ना. तो एक तरह से बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज हो गई,
देखो आपने एक चीज यहां से एक्सट्रैक्ट करी, मान लो नेचुरल गैस निकाली यहां से, गड्ढे हो गए, तो उसकी जगह पे क्या कर दो फिर, कार्बन डाइऑक्साइड कर दो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जैसे यहाँ पे क्या हो गया भाई, एम्प्टी हो गया, तो जमीन को नीचे हो सकता है, इससे क्या होगा फिर से एक बैलेंस बना रहेगा। समझ मारा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जहां पे कोयला जलता है, तो कोयले का धुआं देखा है ना, उसको आप कैप्चर कर सकते हो। जैसे वो काजल कैसे बनता है, अरे समझ, कैप्चर टेक्निक से बनता है ना, तो आप उसको कैप्चर करके जमीन में गाड़ दोगे। समझ में आया? इसी इस सारी टेक्निक को क्या बोलते हैं, कार्बन क्वेस्ट्रिंग। ठीक है, फिर और क्या है, यहाँ पे देखो सब कुछ दिया हुआ है, थोड़ा डेटा वेटा ये पढ़ना है आपको। उसके बाद देखो ट्री कवर अपनों ने देखा था, द ओवरऑल चेंज इन द ट्री कवर इन द पास्ट 20 ईयर वॉज अ नेट लॉस ऑफ 100 एकर्स का मतलब है ना, मतलब देखो ट्री कवर क्या हो रहा है वर्ल्ड ओवर, कम हो रहा है। याद रखना, यूपीएससी में से मैक्रो लेवल के क्वेश्चन आएंगे हमेशा। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ब्राजील और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर द टू कंट्रीज विथ मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर एंड मोस्ट रजिस्टर बोथ रजिस्टर लॉसेस ऑफ दिस रिसोर्स इन, है ना, यानी सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पे है, ब्राजील और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और सबसे ज्यादा लॉस भी कहाँ हो रहा है, यहीं पे हो रहा है। ठीक है, फिर देखो इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, घाना एंड बोलीविया ऑल्सो रेपिडली लॉस देयर प्राइमरी फॉरेस्ट कवर। तो वॉट इज प्राइमरी फॉरेस्ट, मैच्योर नेचुरल फॉरेस्ट जो भी रिसेंट हिस्ट्री में कैसा है, अनडिस्टर्ब है, याद रहेगा। और अगर मान लो किसी ने फॉरेस्ट को काट दिया और वहां पे रिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो इसको अपन कौन सा फॉरेस्ट बोलेंगे, सेकेंडरी फॉरेस्ट, याद रहेगा। इंडोनेशिया एंड मलेशिया मैनेज टू कीप देयर प्राइमरी फॉरेस्ट कवर लॉस टू रिकॉर्ड लो लेवल इन, ठीक है, चलो इंडिया का कहीं कुछ नहीं दिया है, चलो ठीक है। ये देखो ये आ गया, मैंने अभी आपको बताया हम कौन सा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज करने वाले हैं, जीएसएलवी। देखो इंडिया के पास तीन है, यहाँ पे देखो बताया भाई इसने, कौन कौन सा, एक है अपने पास पीएसएलवी, दूसरा है अपने पास जीएसएलवी, और अभी एक नया आया है अपना एसएसएलवी, है ना। ये कैसा है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रहेगा। और इसमें देखो वैसे जीएसएलवी को कायदे से होना चाहिए कि भैया ये कहाँ छोड़ना चाहिए, 36,000 पे, पर याद रखना ये पीएसएलवी वाले ऑर्बिट पे ही छोड़ता है। इन तीनों में अंतर ये है, इनके जो पेलोड की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है ना। जैसे सबसे कम किसकी होगी, एसएसएलवी की, उससे ज्यादा होगी पीएसएलवी की, और उससे ज्यादा होगी जीएसएलवी की। समझ में आया है ना, लिखा है पीएसएलवी कैन लिफ्ट अप टू 3.8 टन्स टू लो अर्थ ऑर्बिट, यहाँ पे इसका भी लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना। और ये देखो कौन सा रॉकेट यूज करता है, ये मार्क 3 रॉकेट, मैंने आपको बताया था मार्क 3 क्या, तेज जाएगा बहुत और बहुत पावरफुल रॉकेट है, याद रखना ये चीज। ठीक है, देखो इसके तीन स्टेज है, फर्स्ट और बॉटम मोस्ट स्टेज इज इन द फॉर्म ऑफ 2S200 बूस्टर। देखो ये जो लगे, ये 1 और ये 2, इसको क्या बोलते हैं अपन, S200 बूस्टर्स है। इनमें भी क्या भरा होगा, फ्यूल भरा होगा, समझ में आया, तो कुछ सॉलिड फ्यूल, देखो कैसे है ये सॉलिड फ्यूल, और वो कैसा है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन। ठीक है, वही हाइड्रोक्सिन फ्यूल, आइदर नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड या फिर असिमेट्रिकल डाइमिथिल हाइड्रोजन। अब देखो जो सेकंड स्टेज रहेगी ये वाली, इसमें क्या भरा हुआ है, ये जो अपने लिक्विड फ्यूल, यानी ये दो कैसे हैं सॉलिड फ्यूल, ये वाला कैसा है लिक्विड फ्यूल, पता है ना सबको, इतने उस पर मत जाओ, वो सीधा बोल रहा है लिक्विड हाइड्रोजन, है ना, वो साइंटिफिक नेम पे ज्यादा जाओ मत। फिर देखो अपर मोस्ट जो फाइनल होगा, फाइनल कहाँ आएगा भैया अपना, ये वाला है ना, ये वाला कैसा है, देखो क्या बोल रहा है वो, कहाँ गया, क्रायोजेनिक है ना। और देखो इट कंबस्ट लिक्विफाइड हाइड्रोजन विथ
समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, और इसके अलावा कुछ है क्या इसमें पढ़ने का? ठीक है, ये क्या है भाई? सोलर पॉल्यूशन इन चाइना में। ठीक है छोड़ो, ज्यादा इतना काम लिख लेंगे। देख रहे हो पूरी पहाड़ी उसने काई की बना दी।